Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you are all safe and sound there. So here is your Miss Aman Sahar, science teacher, and welcome back to class 5. तो जैसे कि हमने previous video में अपना class first chapter start किया था classification of living thing और उससे related कुछ homework लिया था, तो अब हम इस video में उसी chapter में next topic start करते हैं जो कि page number 4 पे given है. सबसे top पे given है bacteria. bacteria क्या है? bacteria singular हम इसको बोलते हैं bacterium, bacteria plural form है. बहुत छोटे छोटे living things होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है. सम काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया कैन मेक देयर ओन फूड. कुछ टाइप्स के बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपनी ग़िज़ा ख़ुद बना सकते हैं. कुछ ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो हवा में होते हैं, पानी में होते हैं और ज़मीन के ऊपरी सतह पर रहते हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं, मिलियंस ऑफ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो आपकी अपनी जिल्द पर रहते हैं या आपकी माउथ मतलब मुंह या नोज़ या लंग्स में रहते हैं. दे अकर इन वेरियस शेप्स. बैक्टीरियाज जो होते हैं वो अलग अलग शेप में पाए जाते हैं, सच एज राउंड, इलोंगेटेड और स्पायरल. सम बैक्टीरियाज आर यूज़फुल. कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं. वो किस तरीके से? दे हेल्प टू मेक विटामिन्स. ये हमें विटामिन्स बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि चीज़, योगर्ट, यानी जैसे चीज़ हो गया, दही हो गया, ये सब बैक्टीरिया लग जाने की वजह से ही बनता है. जब दूध में बैक्टीरिया लग जाता है तो उसके ज़रिए से चीज़ बन जाती है या योगर्ट जो भी आप बना रहे हैं. तो ये हमारे लिए एक तरीके से एडवांटेज हो गया एक बैक्टीरिया का. लेकिन कुछ बैक्टीरियाज हमारे लिए हार्मफुल हैं. वो दे कॉज डिजीजेस सच एज ट्यूबरक्यूलोसिस, टैचिनस, टाइफाइड, फीवर और कोलेरा वगैरह. ये ऐसे बैक्टीरियाज भी हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल डिजीजेस कॉज कर देते हैं, जिनके अलग अलग नेम्स हैं, अलग अलग वेरियस की टाइप्स हैं. तो स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट्स के कुछ ग्रुप्स डिस्कस करेंगे और फर्दर हम और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम चलते हैं प्लांट्स के ग्रुप्स की तरफ. वैसे तो प्लांट्स के बहुत सारे ग्रुप्स बना दिए गए थे, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फोर मेन ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स. उसमें सबसे पहले नंबर पे है एल्जाई, सेकेंड पे है फंजाई, थर्ड पे है मॉसेस एंड लिवरवॉर्ट्स, एंड फोर्थ है फर्न्स. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एल्जाई के बारे में. एल्जाई सिंगुलर एल्गा, जिसका सिंगुलर वर्ड है एल्गा. एल्जाई इसको प्लूरल में बोलते हैं. यूजुअली लिव्स इन वाटर, ज़्यादातर पानी में रहता है. बहुत सारे एल्जाई ऐसे हैं जो पानी की सबसे निचली सतह पर, समंदरों, झीलों वगैरह में रहते हैं. पानी की सबसे निचली सतह पर वहीं पर ही ग्रो करते हैं. क्लोरोकोकम और क्लाइमेडोमोनास, वॉलवर्क्स, ये सब एक किस्म के मतलब अलग अलग किस्म के एल्जाए हैं. क्लोरोकोकम की बात करें तो वो एक सिंगल सेल एल्जा है जो ट्रीज़ वगैरह पे और डैम्प वॉल्स पे मतलब वो ग्रो करता है. अगर हम क्लाइमेडोमोनास की बात करें तो इसका भी एक सेल होता है, ये भी सिंगल सेल एल्गा है जो पानी के अंदर स्विम करता है, तैरता है. वॉलवर्क्स की बात करें तो वॉलवर्क्स भी एक ऐसा एल्गा है जो कॉलोनीज़ वगैरह में फ्रीली मूव करता है. इसके अलावा अगर हम स्पायरोजायरा की बात करें तो वो भी एक किस्म का एल्गा है, लेकिन ये मूव नहीं कर सकता. देन सीवीड्स पे अगर हम थोड़ी सी डिस्कशन करें तो सीवीड भी ऐसे एल्जाएं हैं जो अलग अलग शेप्स में और अलग अलग कलर्स में और अलग अलग साइज़ में पाए जाते हैं पानी के अंदर. सेकेंड ग्रुप है हमारा फंजाए. मोल्ड, मशरूम्स, टॉडस्टूल्स, पफ बॉल्स, ये सब एग्जाम्पल्स हैं फंजाई की. सिंगुलर फंजाई को कहते हैं हम फंगस, मतलब फंजाई जो है वो प्लूरल वर्ड है और फंगस जो है वो सिंगुलर वर्ड है. अच्छा जी स्टूडेंट्स, फंजाई में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता. जो ग्रीन मटेरियल क्लोरोफिल प्लांट्स में पाया जाता है वो फंजाई में नहीं पाया जाता. तो इसी वजह से फंजाई अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते. वो प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता जैसे कि फंजाई में, तो ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते.
कुछ फंजाए पैरासाइट्स होते हैं, मतलब ये अपना फूड जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब दूसरे लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स से बनाते हैं, और उनको जैसी जो लिविंग और डिकेइंग एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं उनसे अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं। फंजाए थिन थ्रेड्स से मिलके बने होते हैं, थिन थ्रेड्स मतलब बारीक बारीक से धागों से जिनको हाइफाई कहते हैं उनसे मिलके ये बने होते हैं। सम स्किन डिजीजेज सच एज एथलेट्स फुट स्केबीज एंड रिंगवर्म्स आर कॉज्ड बाय फंजाए। कुछ स्किन की बीमारियां यानी जल्द की बीमारियां जैसे कि एथलेट्स फुट स्केबीज और रिंगवर्म्स फंजाए की वजह से होती हैं। तो अब हम आते हैं थर्ड प्लांट्स के ग्रुप की तरफ जो है मॉसेस एंड लिवरवॉर्ट्स। मॉसेस एंड लिवरवॉर्ट्स क्या होते हैं? मॉसेस की बात हम अगर करें तो मॉसेस जो हैं वो मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं। मॉसेस ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत सारे मॉसेस ऐसे होते हैं, मोस्ट मॉसेस मतलब, जो बहुत कुछ सेंटीमीटर्स लंबे होते हैं। अच्छा, इनकी ये फ्लावरलेस होते हैं, ये फ्लावरलेस ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स होती हैं, शूट्स होती हैं और स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। इसके अलावा इनके मतलब इनके जो लीफ होते हैं और लीफ के जो ऊपर स्टॉक होती है, लीफ के अबव जो स्टॉक होती है उनके अंदर पेयर शेप कैप्सोल्स होते हैं, छोटे छोटे से पेयर शेप कैप्सोल्स होते हैं, और कैप्सोल के अंदर इनसाइड द कैप्सोल कैप्सोल के अंदर स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स क्या करते हैं? ये स्पोर्स न्यू मॉस प्लांट को ग्रो करते हैं। ये स्पोर्स जो होते हैं लीफ के ऊपर स्टॉक जो अब स्टॉक होती है लीफ की उस इनके लीफ के ऊपर जो स्टॉक होती है उसको उसके अंदर ये कैप्सोल्स होते हैं और कैप्सोल्स के अंदर स्पोर्स होते हैं जो न्यू मॉस प्लांट को ग्रो करते हैं। और अगर हम लिवरवॉर्ट्स की बात करें तो लिवरवॉर्ट्स या तो लीफ लाइक मॉसेस हो सकते हैं या तो फिर ये फ्लैट और ब्रांच्ड हो सकते हैं, लेकिन मॉसेस और लिवरवॉर्ट्स दोनों ही स्पोर्स जो गिवन होते हैं इनके लीव्स के अबव स्टॉक पे उसी से ही अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब अपनी ग्रोथ उसी से ही पाते हैं। तो अब हम चलते हैं प्लांट्स के फोर्थ मेन ग्रुप की तरफ जो है फर्न्स। फर्न्स भी ऐसे प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स जो डैम्प और शेडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं। इसके अलावा फर्न्स हैव टाइनी ट्यूब्स इनसाइड देयर स्टेम्स एंड लीव्स, मतलब फर्न्स के जो लीव्स और स्टेम्स होते हैं उनके अंदर छोटी छोटी बारीक बारीक ट्यूब्स होती हैं, और ये ट्यूब्स क्या करती हैं? अब ये ट्यूब्स प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फूड और वाटर ट्रांसफ़र करने के काम आती हैं, मतलब ये फूड और वाटर को एक पार्ट से दूसरे पार्ट की जानिब लेके जाती हैं। इसके अलावा लीव्स ऑफ फर्न प्लांट्स आर कॉल्ड फ्रॉन्ट्स। फर्न्स के जो पत्ते होते हैं उनको फ्रॉन्ट्स कहते हैं, FRONDS फ्रॉन्ट्स। और जितने भी फर्न्स हैं वो रिप्रोड्यूस जब होते हैं जब उनके स्पोर्स बनते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं पेज नंबर 9 पर एनिमल किंगडम की तरफ, द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम्स भी हमारा दो फर्दर मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। किन ग्रुप्स में? एक वर्टिब्रेट्स के ग्रुप में और एक इनवर्टिब्रेट्स के ग्रुप में। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बैकबोन होती है, और इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती है। बैकबोन क्या होती है? रीढ़ की हड्डी। वो एनिमल्स जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती वो इनवर्टिब्रेट्स हैं, और जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है वो वर्टिब्रेट्स हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इनवर्टिब्रेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्पंजेस की तरफ आ जाते हैं। स्पंजेस क्या होते हैं? स्पंजेस वो एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन इनका ना सर होता है, ना पैर होते हैं, ना हाथ होते हैं। और ये एनिमल्स जाहिर सी बात है, जब इनका ना सर होगा, ना हाथ होंगे, ना पैर होंगे, तो ये मूव भी नहीं कर सकते। तो ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव भी नहीं कर सकते। ये अपने आप को पानी के अंदर जो रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं और जो पौधे होते हैं उनसे अपने आप को अटैच करके रखते हैं। और अपनी ग़िज़ा कैसे हासिल करते हैं? इनके अंदर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं,
जिसके ज़रिए ये अपने अंदर पानी को खींचते हैं और उस पानी के साथ उनके प्लांट्स और एनिमल्स के छोटे छोटे से ज़र्रात, बहुत छोटे छोटे से ज़र्रात उनके पानी के साथ उनके ऑस्ट्रिया जिस पोर्स को उनके उनके पोर्स को कहते हैं ऑस्ट्रिया, तो वो पोर्स के अंदर वो छोटे छोटे से ज़र्रात पानी के ज़रिए उनके अंदर जा रहे होते हैं, यही इनकी ग़िज़ा है। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं सीलेंट्रेट्स की तरफ। सीलेंट्रेट्स भी इनवर्टिब्रेट के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सीलेंट्रेट्स की बेस्ट एग्जांपल है जेलीफिश और कोरल्स जो इनवर्टिब्रेट्स हैं। इसके अलावा ये दोनों समंदर में रहते हैं। जेलीफिश को तो आपने देखा होगा कि जेलीफिश जो है वो अम्ब्रेला टाइप उसका स्ट्रक्चर होता है, उसके थिन आर्म्स होते हैं बहुत पतले पतले से, जिनको हम टेंटिकल्स कहते हैं। इन दोनों कोरल और जेलीफिश की दोनों की बॉडीज़ जो होती हैं वो हॉलो होती हैं। कोरल्स भी समंदर में रहते हैं लेकिन ये अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही जगह पे रह के गुजार देते हैं। तो अब बात हो जाए वॉर्म्स की। वॉर्म्स क्या होते हैं? वॉर्म्स रेंगने वाले जानवर होते हैं एक किस्म के। इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, ना इनके पैर होते हैं ना इनके हाथ होते हैं। कुछ वॉर्म्स जो होते हैं वो पानी पे रहते हैं, कुछ वॉर्म्स ज़मीन के ऊपर मिट्टी में रहते हैं, और कुछ वॉर्म्स जो होते हैं वो एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स की बॉडी में रहते हैं। वॉर्म्स की जो बॉडी होती है वो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड होती है और इन सेक्शंस को सेगमेंट्स कहते हैं। अलग अलग टाइप्स के वॉर्म्स होते हैं जैसे फ्लैट वॉर्म्स, टेप वॉर्म्स एंड फ्लक्स। टेप वॉर्म्स और फ्लक्स जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में लिव करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब वो लिव करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो इंसान बहुत सीवियर बीमारी में मुब्तला हो सकता है उनकी वजह से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो वॉर्म्स की बात हो गई। अब आते हैं इकाइनोडर्म्स की तरफ। इकाइनोडर्म्स में स्टारफिश, सी अर्किन्स एंड सी ककम्बर्स वगैरह शामिल हैं जो कि इन्वर्टिब्रेट्स हैं। इसके अलावा इकाइनोडर्म्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी स्पिनी स्किन्स होती हैं। स्टारफिश की अगर हम बात करें तो स्टारफिश के जो आर्म्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे ट्यूब से कवर्ड होते हैं और इन ट्यूब्स को कहते हैं ट्यूब फीट। ये ट्यूब फीट बहुत उसके काम आती है वो इस तरीके से, क्योंकि इस ट्यूब फीट की वजह से ही वो जो स्टारफिश होती है वो मूव कर सकती है और किसी भी मतलब किसी रॉक और शेल पे स्टिक हो सकती है, चिपक सकती है। इसके अलावा वही ट्यूब्स जो होते हैं वो उस स्टारफिश को हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को टेक इन करने में या उसको सांस लेने में मदद करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं मोलस्कस की। तो मोलस्कस भी ऐसे इन्वर्टिब्रेट हैं जिनकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बॉडी होती है। इनके अंदर कोई हड्डी नहीं होती, दे हैव नो बोन्स। बहुत से मोलस्कस ऐसे हैं जिनका एक हार्ड शेल होता है ऊपर ताकि उनकी बॉडी जो है वो प्रोटेक्ट रहे। जैसे कछुआ होता है, कछुए का एक हार्ड शेल होता है ऊपर और अंदर उसकी बॉडी कवर मतलब सेफ रहती है, इसी तरीके से बहुत सारे मोलस्कस ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर हार्ड शेल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्टोपस, ऑक्टोपस इज मोलस्कस, तो ऑक्टोपस के ऊपर भी एक हार्ड शेल होता है जो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कुछ मोलस्कस जो हैं वो पानी में रहते हैं, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ऑक्टोपस की है, और कुछ मोलस्कस जो हैं वो ज़मीन पर रहते हैं। अब बात हो जाए एर्थ्रोपॉड्स की। तो एर्थ्रोपॉड्स में बीटल्स, बटरफ्लाइज, क्रैब्स और स्पाइडर्स वगैरह शामिल हैं जो कि इन्वर्टिब्रेट्स हैं। एर्थ्रोपॉड्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी जॉइंटेड फीट होती हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो सेपरेट सेक्शंस में डिवाइड हुई भी होती है और हार्ड आउटर कवरिंग होती है इनकी, जिनको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स भी एर्थ्रोपॉड्स में शामिल हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंट्स में डिवाइड हुई भी होती है और हर सेगमेंट में टू पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। इसके अलावा स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस जो हैं वो अरेक्निड्स हैं, यानी ये भी अर्थ्रोपॉड्स की एक टाइप हैं जिसको अरेक्निड्स कहते हैं। और अरेक्निड्स वो होते हैं जिनकी एट लेग्स होते हैं, जिनके एट लेग्स होते हैं वो अरेक्निड्स कहलाते हैं और ये भी अर्थ्रोपॉड्स हैं। अगर हम बात करें इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाइज, बीज और कॉकरोचेस की, इनकी छह टांगे होती हैं। इनके अलावा भी बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि एर्थ्रोपॉड्स के ग्रुप में शामिल हैं। तो ये था हमारा इन्वर्टिब्रेट का टॉपिक और ग्रुप। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम सब चलते हैं वर्टिब्रेट्स की टॉपिक की तरफ। और वर्टिब्रेट्स के टॉपिक में कुछ
ग्रुप्स और फर्दर डिस्क्राइब करते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टूवर्ड पेज नंबर 11, वर्टिब्रेट्स. सो स्टूडेंट्स, जैसा हमने इनवर्टिब्रेट्स के कुछ ग्रुप्स को स्टडी किया, इसी तरीके से अब हम वर्टिब्रेट्स के तरफ आ गए हैं. तो वर्टिब्रेट्स के कुछ फर्दर ग्रुप्स को स्टडी करते हैं. वर्टिब्रेट्स का मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया था कि वर्टिब्रेट्स वो जानवर होते हैं जिनकी बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी होती है. तो सबसे पहले हम चलते हैं फ़िश की तरफ. फ़िश क्या होती हैं? मछलियाँ. तो मछलियों की तरफ चलते हैं, फिशेस की तरफ चलते हैं. फिशेस वो वर्टिब्रेट्स होते हैं जो पानी में रहते हैं. जितनी भी फिशेस होती हैं वो सांस किसके ज़रिए लेती हैं? उनके गिल्स होते हैं. उनके लंग्स नहीं होते, उनके गिल्स होते हैं, उसके ज़रिए वो सांस लेती हैं. ज़्यादातर फिशेस की जो होते हैं जो स्किन होती है वो स्कल्स से कवर्ड होती है. इसके अलावा फिशेस के मतलब तमाम नियरली तमाम फिशेस के ही इसके फिन्स होते हैं जिसके ज़रिए वो उनको वो तैर सकती हैं, वो इनको तैरने में मदद करते हैं. अगर हम बात करें बेबी फिशेस की, तो बेबी फिशेस जो होती हैं वो हैच आउट होती हैं एग्स में से. मतलब जो फिशेस एग्स ले करती हैं वो जो एग्स होते हैं उनको स्पॉन कहते हैं. वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, उनके जो एग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं. उनकी हार्ड कवरिंग नहीं होती कि जैसी बर्ड्स की होती है हार्ड कवरिंग, वैसी उनके आउटर शेल इतना हार्ड नहीं, हार्ड ही नहीं होता, बिल्कुल सॉफ्ट होता है. और उसमें से वो हैच आउट होते हैं और फिर फर्दर ग्रो करते हैं. तो अब वर्टिब्रेट्स के नेक्स्ट ग्रुप को डिस्कस करते हैं जो है एम्फीबियंस. तो एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा पानी में गुजारते हैं और जो रिमेनिंग हिस्सा होता है वो ज़मीन पे गुजारते हैं. मतलब वो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं. वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि जब ये एम्फीबियंस छोटे होते हैं तो वो पानी में रहते हैं और उनकी जो गिल्स होती हैं उनके ज़रिए वो सांस लेते हैं. लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं तो उनके जो लंग्स होते हैं मतलब फेफड़े, वो अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं. और जब वो कम्प्लीटली बड़े हो जाते हैं तो फिर वो ज़मीन पे भी अपना सर्वाइव कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, क्योंकि उनके लंग्स डेवलप हो चुके होते हैं. एम्फीबियंस के एग्स को भी स्पॉन कहते हैं. ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और इनका भी कोई शेल नहीं होता, आउटर हार्ड शेल कोई नहीं होता इनका. सो नेक्स्ट ग्रुप है हमारा रेप्टाइल्स का. रेप्टाइल्स क्या होते हैं? लिजर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, टर्टल्स और टोर्टोइज़ जितने भी हैं वो सब रेप्टाइल्स हैं. इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई स्केली स्किन होती है और ये जो होते हैं ये अपने लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं. दे ले एग्स ऑन लैंड, ये ज़मीन पे अंडे देते हैं. इसके अलावा जो कुछ मतलब जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके जो एग्स होते हैं जब वो अंडे देते हैं उनके एग्स जो होते हैं वो लेदरी होते हैं, सही है. लेकिन कुछ जो होते हैं रेप्टाइल्स उनके जो होते हैं एग्स जैसे कि क्रोकोडाइल या एलिगेटर, इनके एग्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं. जैसे कि बर्ड्स के एग्स जो होते हैं वो ऊपर से हार्ड उनका कवर होता है, इसी तरीके से रेप्टाइल्स के भी कुछ ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं जिनका जिनके जो एग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं. अब आते हैं बर्ड्स की तरफ. बर्ड्स क्या होते हैं? चरिंद परिंद जितने भी हैं उनको बर्ड्स कहते हैं. बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स विद फेदर्स. बर्ड्स चरिंद परिंद जितने भी होते हैं उनके पंख होते हैं. जितने भी बर्ड्स होते हैं उनके पर भी होते हैं जिसके ज़रिए से वो हवा में उड़ सकते हैं. अ फ्लाइंग बर्ड कैन ट्रेवल फास्टर देन एनी अदर एनिमल. एक उड़ता हुआ परिंदा किसी भी ज़मीन पर चलते हुए जानवर से ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल कर सकता है या चल सकता है. बर्ड्स ब्रेथ थ्रो लंग्स. बर्ड्स भी जो होते हैं उनके भी लंग्स होते हैं जिसके ज़रिए से वो सांस लेते हैं. और जितने भी बर्ड्स होते हैं वो भी एग्स ले करते हैं और उनके जो बेबीज़ होते हैं वो एग्स में से हैच आउट होते हैं. यूजुअली फीमेल बर्ड्स जो होते हैं, मादा जो होती है वो अंडे देती है और फिर उनके
बच्चे उसमें से हैच आउट होते हैं, बेबीज उसमें से हैच आउट होते हैं, और वो कहाँ अंडे देती हैं, वो घोंसले बनाती हैं अपने और उन घोंसलों में अंडे देती हैं। तो और जो उनके पेरेंट्स होते हैं, मतलब जो छोटे बेबीज़ बर्ड्स के पेरेंट्स होते हैं, वो उनकी देखभाल करते हैं अपने बच्चों की, कि जब तक वो खुद से खाने के काबिल ना हो जाएँ और जब तक वो उड़ने के काबिल ना हो जाएँ, जब तक उनकी देखभाल करते हैं, उनको खुद खाना खिलाते हैं और उनकी केयर करते हैं। अब नेक्स्ट ग्रुप है हमारा मैमल्स का, तो कैट्स, डॉग्स, गॉट्स, हॉर्सेस, मंकीज, जिराफ्स, एलिफेंट्स, वेल्स, डॉल्फिन्स, सब मैमल्स हैं। एंड यू आर आल्सो अ मैमल, आप भी एक मैमल हैं, मतलब जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं वो भी मैमल्स हैं। वो किस तरीके से? क्योंकि मैमल्स का फीचर, मेन फीचर ये है कि उनके फर होते हैं, हेयर होते हैं और ब्रिस्टल्स होते हैं। इसके अलावा मैमल्स भी लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं, और सबसे मेन फीचर ये है मैमल्स का कि मैमल्स जो होते हैं वो बेबीज़ बर्थ करते हैं। फीमेल मैमल्स जो होते हैं वो बेबीज़ बर्थ करते हैं, बच्चे देते हैं, और उनके जो बच्चे होते हैं वो फीड करते हैं मदर्स मिल्क पर, अपनी माँ के दूध पर वो फीड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स का पूरा लेक्चर वाइंड अप किया जाता है। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, फाइनली हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग कंप्लीट हुआ जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड होम असाइनमेंट दूंगी। तो जब तक आपका ये होमवर्क है कि आपको इस पूरे चैप्टर के टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना है। अब इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।